काव का नाम बा संतोष रेणु यादव। संतोष रेणु यादव बेटा, तू इतना आलतू और फालतू बात कही तू कर रहा है, हैं? तू सोचता है कि हम बहुत बढ़िया कह रहे हैं, मगर बढ़िया तू नहीं कह रहा है। तेरा संस्कार, तेरे दादा पर दादा के बेरी से तेरा संस्कार खराब है। तेरे घर में संस्कार देने वाला कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ कि तू इतने फालतू बात माँ बहन के गाली भी देता है, उल्टा सीधा बात कही करता है। तेरा शक्ति हो है तो तू उनको करके दिखाओ, जो वो नहीं किए तो हम कर दिए है। तू बेइज्जती करता है सारे दुनिया में, तू मीडिया के सामने आ करके और तू ये कहता है तू सही नहीं है, तू असली बाप का बेटा नहीं है। तेरा खानदान जो है वो सही नहीं है कि तू ऐसे फालतू बात करता है। ए बड़ा दूसरे में पवन पांडे प्रणव दोनों आदमी हमारे खेसारी लाल यादव के ये बहुत नज़दीकी में है, जहाँ दहार में बांटते हैं, कहीं भी बांटते हैं, ले जा ले जाके बांटते हैं। उनके नाम पर जब वो गए तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे उनसे बात करना चाहिए। कुछ भी नहीं होता तो हम हमारे इज्जत को जो बाजार में ये उछलता है, हमसे कहते कि हाँ वो नहीं है तो आप जाओ, हमारे पास बड़े मोबाइल नहीं है, हम खोल करके कोई चीज देखता नहीं हूँ, कोई बताता है तो हम सुनता हूँ है। हम गए होते, हम चले गए घर, हम घर चले गए कि हमारे चाचा का लड़का 35-36 साल का उम्र का मर गया, उस अफसोस में हम गांव चले गए। ये चीज़ हमको गांव में मालूम हुआ अभी 3 रोज 2 रोज परसों रोज हम गाड़ी से उतरे हैं, हैं उतरे हैं। उसके बिहान भैया देखता हूँ कि ये फालतू फालतू ये घर का आवारा ये गाली दे करके तू आगे बढ़ेगा है। तेरा माँ बहन गाड़ी देने से तेरा ख्याल बढ़ता है, तू तो महा निचला आदमी है, हैं? किसी कलाकार के किसी आदमी के गाली देने से तेरे को क्या मिलता है? तेरा संस्कार ठीक नहीं है। तेरे साथ पूत पहले के बात बताता हूँ, हम लोग के साथ पूत पहले के बात है कि हम लोग का संस्कार मिला है कि हम किसी को माँ बहन के गाली नहीं देते हैं। दूसरे के बेटी है वो बेटी है, दूसरे के बहू है तो मेरा बहू है। हाँ तू फालतू जबान से निकलता है, तू चलता है जो हाईलाइट हो जाएगा तेरे बाप खानदान में, तू मेरे साथ मुकलमा करेगा? हम 1 इंच कभी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगठा टेप है, मेंट पर आओ और तू मेरे संगे मैं क्या गाता हुआ तू क्या गाएगा तेरा के देख लेता हूँ। तू कलाकार बोलता है हा? तू इतना बात कह करके कह देता हूँ किसी कलाकार के माँ बहन के गाली मन दो, कुछ भी कहना है प्यार से कहो, फोन से बात करो है। जब वो आया है तू बोलता है जो दिल्ली में आ करके और वो कुछ कहा नहीं, आया नहीं। अरे जब तू सुना था पहले कि हॉस्पिटल में बच्चों के लिए देखने के लिए वो गया था तो वहाँ कितना कितना हंगामा मचा, दुनिया में हलचल मच गया कि खेसारी लाल यादव मुख्यमंत्री के पद लेने के लिए या वोट के लिए जब से ये दिखाने के लिए आए थे, उनको इंसल्ट ही हुआ कि बड़वारी हुआ, वो तो फेवर करने के लिए गया था है। बाकी तुम वहाँ मुरुख आदमी उसमें तू जा करके का किया था? सब तो भाइये हैं, सब अपना है, कौन बिराना है? हाँ तू फालतू मत बात कर, तू अभी से सकोच जा ना, तेरे जिंदगी में वो बात कहूँगा कि तेरे साथ पूछ का खून में जा करके और मिट्टी में हमारी बात घुस जाएगी। हम गाली हमारे माँ बाप नहीं सिखाए हैं, कहते हैं कि नहीं किसी को पर्दा दो, पर्दा उघार मत करो, किसी का इज्जत दो, बेइज्जत मत करो। कोई आता है भूखा भूखा तू नद खाओ उसको खिलाओ, उसको तू बोरा पसो उसको बिस्तरा पसो लाओ, ये काम हुआ? ये तो तू करेगा नहीं है। खा रहा है दाना दूसरे को और गुन गा रहा है दूसरे को है, ऐसा काम बेटा समझ में आ जाए तो तू इसको समझ लेना। कलाकारी ऐसे नहीं होता है गाली दे करके, किसी माँ बहन के गाली दे करके तू आसमान में खिल जाएगा, समझा? तो इतने बात कह करके हम चुप लगाता हूँ, अपने खानदान के देखो कि हमारी खानदान क्या करते करते आई है। अरे खेसारी भी कलाकार है तो उसका बाप भी कलाकार है, बात के जरिए बात, तू तो
तेरा बाप मांस होगा मगर तू लेड़ बल करके जन्म लिया है। तेरे पास संस्कार नहीं है, बोलने का बुद्धि नहीं है, शराब पी लेता है जैसे बकरी का मूत शीशी में रख देते हैं वो भी शराब का जैसे लगता है। तू बकरी का मूत पीता है कि गधा का मूत पीता है कि तेरा बुद्धि दिमाग जो है ये वो हो जाता है। समझ जाओ, सुधर जाओ बेटे, ये दुनिया है, समझा। तू तो मेरे पास सामने जो पड़ जाए, तेरे शक्ति है, कितना कला तेरे पास है, तू दूसरे के लिखा हुआ गाना गाता है। चल मैं अपना से लिखता हूँ, जो हमारे भिखारी का लिखते थे वो अपने गाते थे, किसी का गाया हुआ गाना नहीं गाते थे। भिखारी काका के तू लाओ सुना होगा, हम उनको कलाकारी देखा हूँ। दो रात और एक दिन तीन रात का बरात रहता था, तू क्या जाने है? तू छुपा रिश्तों बोल बोल के तू बेइज्जती करता है। तेरे गांड में शक्ति हो तो तू अपना खेत बैठ के लगाओ ना। हाँ, प्यार से कोई बात कहा जाता है, बेइज्जती कह करके किसी से पैसे नहीं लिया जाता है। हम गांव से आए तो हम सोचे कि नहीं भाई हम चले गए, वो अपने बापों का बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है, उसके लिए भी माँ भवानी से हम मनता मांगूंगा कि हे माँ भवानी, हमारे यहाँ जर्सी है, भोले है, भंडारी है, महेंद्रनाथ है, ए, ए, थावे में भवानी है, काली कलकत्ते वाली है, पटना के पटल देवी, हम सबको चरण पर गिर करके उस बेटे को हम कहते हैं कि जिंदा कर दो, खड़े कर दो, अपने पैर पर खड़ा हो जाए। तेरे से चूतिया नंदन ब्यास नहीं है, हम जो गा के सुना देगा तेरे औलाद नहीं गाएगा, हम अपने से जोर जोर के गाएंगे कि तेरे में पत्थर ठोक दूंगा, समझा। बहुत रिस्क में है, तू सामने मिल जाता ना तेरा स्वर फोड़ देता ईटा से, कि तेरे संस्कार माँ बाप तेरे को चटकल नहीं देता, मैं तेरा घर में डंटा कर देता, समझा। इतने कह के छुपाता हूँ, तू देख तेरा खोजी में हम लगता हूँ, तेरे आध औलाद सात पूत कौन कहे कि 18 पूत के तू होगा, उसको भी खोज कर लूंगा। हम बेपढ़ा हुआ आदमी है, निपढ़ुआ है, मेहनत किया हूँ, कुछ भी किया हूँ, कर कर के आगे बढ़ाया हूँ, तेरे बाप के कमाई से वो आगे नहीं बढ़ा है, समझा। इतने बात कह कर के हम चुप लगाता हूँ, दुनिया वाले विचार करो, सुनो, विपक्ष से कहे वो निकल के आ गया, यो माँ बाप किसी का गाली नहीं दे सकता है, इतना उसमें जरूर खसियत है। हम पाले हैं, पोसे हैं, हम सब कुछ सिखाए हैं कि नहीं बेटा, अत्याचार बदनामी एक छीटा अपने सर पर नहीं लेना है। हाँ, जो काम हम किया है वो तेरे औलाद नहीं किया होगा, मगर चोरी नहीं किया, छिनारी नहीं किया, हम किसी को बारे में बुरा नहीं सोचा है। और तेरे मुंह से बुरा तू कहता है कि अभी हम टेलर चला रहे हैं, अरे टेलर, हमारा हेलर जब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा ना तो नौ फरवा हर जो है पूरा लगा करके जोत दूंगा, तू मेरे को जानता नहीं, मैं पक्का हरवा हूँ। अभी ट्रैक्टर चलती है द्वार पर माँ भवानी के कृपा से, पहले हल चलाते थे, फिर भी उस जमाने में 25,000-30,000 रुपये का जोड़ी बैल रखते थे, समझा। नीचड़ा कहीं के तेरे को बोलने का बुद्धि है? तू कलास लो कहीं पढ़ा है रे? तू पिछुआरी पढ़ा है? पिछुआरी पढ़ करके मेडिकल जी जमा से पिछुआरी पढ़ करके संविधान बना दिए कि उसको दुनिया गुन गा रहा है, समझा। हमारे मोदी का 50 लोग गाड़ी देता है, मगर मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो देश है, संविधान है, सब कुछ है, उसका नेचर खराब नहीं है, समझा। तू क्या जानेगा, तू फुटबैंगल आदमी क्या जानेगा, तू कलाकारी का हाल क्या जानेगा, गाली देके तू ऊपर पढ़ेगा ये बेटा। अरे तेरे बाप कैसा, तू कहता है जिसकी माँ का पैदा है उसको माँ भी रोती होगी, क्यों तेरे कहने से रोती है माँ, है लाल पैदा की है, तू कहने ऊपर गया, तू इतने कलाकारी करके क्यों नहीं गया, अपने को तो नहीं कहता है, तेरे को कुत्ता सियार नहीं जानता है, तो तू ऑल इंडिया मीडिया में बोलता है, है? तू ऑल इंडिया मीडिया में बोल करके तू ऊपर होता है, मोट हिस्सा है, दाढ़ी रखता है, दाढ़ी रखना चोर छिनार का काम है, है? ऐसे ही कहना चाहिए बेटा, सुधर जाओ, जिंदगी में किसी के बारे में ऐसा टेढ़ा बोली मत बोलना, माँ बहन का गाली जो है ये बहुत खराब है, जो माँ से तू पैदा हुआ तेरे माँ में उसको माँ में कोई अंतर है रे रे बुरुख,
रे शैतान, तेरा दिमाग का तार जो है वो टूट गया है, टावर खत्म है, तेरा पावर भी खत्म हो जाएगा बेटा, समझ जाओ। रहना है जिंदगी में, दुनिया में रहना है तो कुछ सोच समझ के चलो। हमारे मुंह खुलवाएगा, हम किसी का पढ़ाया हुआ आदमी नहीं है, किसी का कहा हुआ आदमी नहीं, हमारा दिल में जो करता हो कहते हैं वो करते हैं, समझा। इतने कह कर के हम चुप लगाते हैं है? पवन पांडे आए दोनों गया, खेसारी के कहने से ये सब कुछ करते हैं। खेसारी कहा होगा ये नहीं किए होंगे है? 15 लाख रुपया जा करके आधार में ये बांट दिए है? ये खेसारी लाल के क्या बांटे नहीं बांटे ये तो ये जानते हैं है? ये साथ में रह करके ये खाली मलाई खाते हैं, इनका फेवर नहीं करते हैं, इज्जत के आज उछाल जो है ये पवन पांडे अपरलम कर रहा है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। हम इतने दिन कुछ नहीं कहे, हम बेटा के स्वरूप है, एक गुरु के स्वरूप हम पवन पांडे को मानते हैं, वो हमारे गुरु है, वो पुरोहित है, मगर ऐसे ऐसे जगह पर हमारे इज्जत को उछालते हैं, क्या उनको हम गुरु मानेंगे है? वो गए हैं उनका ठीक है, वो नहीं पैसा दिए होंगे, वो कहे होते कि जे हमारे से जे अरे आप ऐसा ऐसा बात है, हम जाकर के उसको मदद करते, हम तो रहे नहीं किए ना, हम मानने वाले आदमी हैं, हम देश का भावरा है, हम आए तब हमको सुनने में आया जे ऐसा ऐसा बात है, हम खुद क्रोध में गया, चाचा के जवान 35 साल का लड़का मर गया है। मगर ये बात जो है माँ बहन का गाली, अब बात उल्टा जो निकालेगा तो तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, ये देखो जिले ना बेटा, तेरा संस्कार जो है सात पुहुत वाला वो देख, उसको देखो ये हमारे संस्कार में क्या है। तेरे माँ आज इनका माँ कुछ धू है रे, तेरे माँ जो है वो भी औरत है, इसका माँ है वो भी औरत है, हा? औरत का कोई स्वरूप कोई रूप होता है, तू क्या जाने, मूर्ख आदमी क्या जाने है? इतना कह करके चुप लगाता हूँ, फालतू बात आगे से निकालेगा तो मैं गाली का भी पढ़ाई किया हूँ मगर दिया नहीं हूँ, सुनता हूँ तो वो अपने दिल में रख लेता हूँ, अरे बाप रे बाप ये गल कैसे गाली देता है रे, फिर उसको समझाता हूँ, नहीं 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 बेटा गाली नहीं देना चाहिए, प्यार से समझा, मगर तू प्यार वाला है नहीं, तू तो है कुत्ता, जो चटा दिया जो सीसी चटा दिया उसी का फिर पड़ा हुआ है बेटा, संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, सुधर जाओ सुधर जाओ, बोलने का कहने से पहले एक कंप्यूटर जो है आँख का साइड में इस कंप्यूटर के हिला करके कोई बात करो जी, कौन सी बात कहाँ कहेंगे तो उसमें निचोड़ हमको क्या मिलेगा। हाँ बेटा तेरे को देखूंगा, तेरा में पावर है तो बेगर पैसे का प्रोग्राम रखवाओ कहीं, अब मैं क्या गाता हूँ तू क्या गा, तेरे वाला थोड़ी गाएंगे, लहंगा या पटोल वाला साड़ी वाला हम नहीं गाएंगे, अब एक एक चीज गाएंगे ये तेरे औलाद है, तेरे कुल खानदान का कलेजा में ढुक जाएगा, चल